राजधानी के शहीद स्मारक पर इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें, शहीद स्मारक पर राजस्थान सेवा निवृत्त शिक्षा अधिकारी मंच राजस्थान के कुछ लोग यहां पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं, अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने आए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं जानेंगे। सर, क्या मांग है आपकी? सर, हमारी मुख्य मांग पहले नंबर पर यह है कि 86 की जब नई शिक्षा नीति आई, उसके बाद सारे स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी 10+2 में कन्वर्ट किया गया। उस वक्त सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में दो पद दिए गए प्रशासनिक के लिए, एक तो प्रधानाचार्य और एक उप प्रधानाचार्य। इससे पहले जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे उनमें तीन तरह के पद थे। एक प्रिंसिपल का जो 2650 से लेकर 4000 के पे ग्रेड का था, एक था हेडमास्टर हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से, और एक था सहायक प्रधानाध्यापक जो सेकेंडरी स्कूल के लेवल का था। जब 10+2 की शिक्षा नीति आई तो दो पद हो गए, एक प्रिंसिपल का जो पुराने जो प्रिंसिपल थे उसी को लिया, और एक वाइस प्रिंसिपल का जो पुराने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में हेडमास्टर का पद था उसके इक्विवेलेंट किया गया। आगे चल करके जब पांचवा वेतन आयोग आया तो पांचवें वेतन आयोग में इन दोनों को पदों को, एक को 9000 से 14400 का वेतन दिया, एक को 8000 से 13500 का दिया गया। जब कुछ शिक्षक संगठनों ने मांग की, मांग के बाद में कुछ अधिकारियों का वेतन रिवाइज किया गया। उनमें से एक सेकेंडरी स्कूल का हेडमास्टर का जो पद था उसका वेतनमान जो पहले 6500 से 9000 का था उसको बढ़ा करके इन्होंने 7500 से 12000 कर दिया। सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर के समकक्ष एक पद वाइस प्रिंसिपल का जो पुराने सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर के समकक्ष था वो भी मौजूद था उस वक्त। तो वित्त विभाग से एक आदेश जो निकला 7898 का, उसमें उप प्रधानाचार्य का नाम दे दिया गया उच्च माध्यमिक विद्यालय, और प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय दोनों का वेतन अपग्रेड करके 6500 से 7500 करते हुए एक नई वेतन श्रृंखला 12A जोड़ दी गई। दुर्भाग्य ये रहा क्योंकि पदनाम दो, एक थे उप प्रधानाचार्य, एक उससे ऊपर वाला पद था, एक नीचे वाला पद था, लेकिन विभाग ने दुर्भाग्य से दोनों पदों को एक मानते हुए दोनों का एक वेतन मान कर दिया कन्फ्यूजन में, जबकि उनको सही था, पता था। ये जो आपकी मांग है, ये जो परिवर्तन जो हुआ है, जो 86 की नीति आप बोल रहे हो, हाँ। ये राज्य सरकार ने करा था या केंद्र सरकार? राज्य सरकार के मसले हैं। सब कुछ क्लियर था, उन्होंने क्लेरिफिकेशन फिर मांगा अपने 4/1/99 के लेटर से निदेशालय ने शिक्षा विभाग से राजस्थान सरकार से कि ये पद इस तरह का है, क्या इसका वेतन 8000 से घटा के 7500 कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी साहब ने फाइनेंस रूल से ये क्लेरिफिकेशन मांगा और उन्होंने कहा कि कोई पद कम नहीं किया गया, किसी का वेतन कम नहीं किया गया, और उन्होंने 21/1/99 के लेटर द्वारा निदेशक को सूचित भी कर दिया कि किसी भी पद का वेतन कम नहीं किया गया। लेकिन फिर भी लेखाधिकारी पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन में रहे एक पद नाम को लेकर के, और लगातार पत्राचार करते रहे, लोग की रिकवरी निकाली, लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि इनको किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। विभाग ने नुकसान नहीं होने के लिए एक व्यक्तिगत वेतनमान दे दिया। व्यक्तिगत वेतनमान का नुकसान हमारा ये हुआ कि एक इंक्रीमेंट जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर मिलनी चाहिए थी वो हमें मिला नहीं। अब विभाग भी मान रहा है कि गलती हो गई, सूचना के अधिकार में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मान रहा है कि कोई कमी नहीं की गई, गलती हो गई, तो गलती हो गई इसको ठीक कर लो। हम पिछले 5 साल से लगातार हर अधिकारी से मिल रहे हैं, सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, डायरेक्टर से मिल रहे हैं कि हमारा वेतन कम ही नहीं किया गया। आप लोगों को रिटायर्ड हुए कितना टाइम हो गया? सब अलग अलग हो गए, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल भी हो गए, और कोई तो ऐसे जो ऊपर भी सिधार गए, लेकिन फिर भी विभाग नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य हमारा। इसलिए शिक्षक दिवस पर बहुत भारी मन से हमें करना पड़ रहा है कि सरकार हमारी सुने। बिल्कुल सरकार मान रही है कि वाजिब बात है, फिर हमें नहीं दे रही। इसके बावजूद एक दिक्कत और है कि हमारे यहाँ जो वाइस प्रिंसिपल की DPC की गई 97-98 तक, सब की DPC 8000 से 13500 या 2200 से 4000 उसमें की गई, और 99-2000 और 98-99 दो DPC 7500 से विभाग ने अपनी मर्जी से कर दी कम वेतन मानते हुए। लेखाधिकारी की गड़बड़ इसमें बिल्कुल। और फिर उनको समझ में आया कि ये गलती हो गई, तो फिर वापस से 8000 कर दी। अरे भैया, ऐसा कैसे हो रहा है? कोई तो तरीका हो, कोई तो नियम कानून कायदे हो कि जैसे जब 7500 की कर दो, जैसे जब 8000 की कर दो। लेखाधिकारी की गलती की सजा ये पिछले 5-7 साल से ये भुगत रहे हैं, और पिछली सरकार में भी ये अपनी गुहार लेके गए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन के इनको कुछ नहीं मिला है। आप वर्तमान शिक्षा मंत्री से मिले? शिक्षा मंत्री जी से तो नहीं मिले, लेकिन एक विधायक है पब्बाराम जी फलौदी के, जो भी हमारे ही साथी थे उनसे मिल करके हम निदेशालय के डायरेक्टर साहब से मिले, डायरेक्टर साहब से मिले। उन्होंने कहा कि भाई इसमें टाइम लगेगा, लेकिन गलती हुई है,
मान रहे हैं लेकिन उसको कर नहीं रहे। हम चाहते हैं कि या तो सीएमओ इसमें हस्तक्षेप करे या शिक्षा मंत्री जी हस्तक्षेप करे और हमारी सीधी वार्ता एफए से कराए। एफए के सामने हम बैठे हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो विभाग का है कि उसने किस आधार पर किया है, क्या रूल है, क्या एक ही नाम पर किसी चीज़ के होने से, जैसे मान लो मैं संस्था प्रधान हूँ या कक्षा अध्यापक हूँ, मेरी क्लास में जगदीश नाम के अगर तीन बच्चे होंगे और जगदीश सप्लीमेंट्री, तो क्या मैं तीनों को सप्लीमेंट्री कर दूंगा? कुछ तो देखूंगा, जन्म तारीख देखूंगा, जाति देखूंगा, पिता का नाम देखूंगा, पता देखूंगा, कुछ तो देखूंगा। केवल उप प्रधानाचार्य नाम होने से आप क्या दोनों का वेतनमान समान कर दोगे? ये तो बिल्कुल अन्याय है। कुछ तो देखिए आप, क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हो कि आपको मालूम नहीं कि वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक का ऑलरेडी वेतनमान, जिसका ग्रुप अलग था, उसका ग्रुप था 13, ग्रुप ई था, उसका ग्रुप था ई और इसका ग्रुप था एफ, दोनों अलग अलग ग्रुप के थे, उसके बावजूद ये गलती हुई है और विभाग इसको मान भी रहा है। उन्होंने कमेटियाँ बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी कि हाँ बिल्कुल ये गलत हुआ है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। अब हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी, जो कि काफ़ी संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील है, हमारी बात को सुनेंगे और इस समस्या का समाधान कराएंगे। बिल्कुल, इन सेवानिवृत्त शिक्षकों की यही मांग है कि पिछले 5-7 साल से अपनी प्रार्थना लेके, अपनी गुहार लेके, ये तमाम मंत्रालयों के चक्कर ये काट चुके हैं, लेकिन इनको, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया था, इनको कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। सरकार, प्रशासन और यहाँ तक कि कोर्ट भी मान रहा है कि गलती हुई है, लेकिन उस गलती को सुधारा, या फिर हम कह सकते हैं कि उस गलती को सुधार कर जो सही जो निर्णय है उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया। इस बैनर पे सर मैं देख रहा हूँ कि तीसरे नंबर की एक मांग है, शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध लंबित चार्जशीट का निस्तारण सेवा निवृत्ति से 6 माह पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाए। किस प्रकार की ये चार्जशीट है और क्यों ये लंबित? ये किसी भी अधिकारी की कोई गलती पर यदि चार्जशीट दी हुई है तो सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व हर हालत में जो है वो उसका निस्तारण हो, ताकि उनकी पेंशन नियमानुसार बन सके। और दोषी है तो जो भी है कार्रवाई उस पर होगी, तो उनके अनुसार जो है उनके पर कार्रवाई करके उसका निस्तारण किया जाए। अब समय पर 6 महीने पहले तक नहीं होती तो उससे फिर उनको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो इसका आपके ऊपर चार्जशीट की कार्रवाई हुई थी किसी प्रकार? हाँ, चार्जशीट की चार्ज। कितने महीने में वो सुलटा रहा हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ अभी तक। मेरे को 24 जून 2020 में चार्जशीट दी गई थी, जिसका आज तक सुलटारा नहीं हुआ। बार बार मैं चक्कर काटता रहा शिक्षा मंत्री से लेकर के, एजुकेशन सेक्रेटरी से लेकर के, अभी भी सेक्रेटरीट में जाके आया हूँ, लेकिन वो चूँकि कोई शिक्षक दिवस पर चले गए तो मैंने कहा हम हमारे धरने पर चलते हैं। ये अभी आपको रिटायर्ड हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को हो गए 1 साल। और ये चार्जशीट तभी से चल रही है? जून 20 से चल रही है चार्जशीट, तो 4 साल से। हाँ, जून 20 से चार्जशीट चल रही है, 2024 चल रहा है, 1 साल आप बता रहे हैं, यानी कि 2023 में आप रिटायर्ड हो गए। हाँ। लेकिन उस चार्जशीट का निस्तारण नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे ये साथी है। आपकी क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है कि मुझे 10 दिन पहले, रिटायरमेंट से 10 दिन पहले निलंबित किया गया है। किस वजह से? राजनीतिक कारणों से निलंबित किया गया है। और जो शिकायतकर्ता है उन्होंने शिकायत की कि ये जो राजनीति में भाग लेते हैं एक पार्टी विशेष, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। एक झूठा आरोप लगा के मुझे निलंबित कर दिया गया, साथ में एक चार्जशीट दी गई कि कार्य में लापरवाही, इस तरह के आरोप लगाए। निलंबन को अगर हम आम भाषा में समझना चाहें, जनता को समझाना चाहें, हाँ, सस्पेंड किया गया, सस्पेंड कर दिया। अगर मान लें न्यायालय ने, हम न्यायालय में गए 10 दिन, मतलब रिटायरमेंट के 10 दिन थे, हम माने न्यायालय में गए और न्यायालय ने 30 अगस्त को उस निरस्त कर दिया उसको, सरकार के निलंबन को उनको निरस्त किया और उनको बाइज्जत माने न्यायालय ने, जज ने कहा कि 10 दिन पहले, जो आदमी 37 साल सेवा कर रहा है और 10 दिन पहले इनको सस्पेंड क्यों किया, क्या होता है सस्पेंड बोलो? और मान लें जज ने तत्काल कहा कि इनको सम्मान विदाई दी जाए, इनको सेवानिवृत्त किया जाए। घटनाक्रम क्या था जिसकी वजह से आपके ऊपर? सर ऐसा है, मुझे बिना कारण के और 27 जून को APO कर दिया गया था। मैं माननीय न्यायालय से स्टे ले आया था, इसी वजह से नाराज़ होकर और 18 तारीख को संडे को 10:30 बजे रात को मुझे निलंबित किया गया है अगस्त में। तो क्या शिक्षा विभाग रात को 10:30 बजे भी काम करता है? संडे को 10:30 बजे हुआ ये। मतलब मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या शिक्षा विभाग साधारण परिस्थितियों में भी रविवार को रात को 10:30 बजे तक काम? साधारण परिस्थितियों में नहीं करता है, ये विशेष परिस्थिति में ही करता है।
अब पता नहीं मुझे क्या आतंकवादी समझा या कोई देशद्रोही समझा कि इतना स्टेप लिया कि रात को निलंबित किया गया है। हालांकि आप हाई कोर्ट से निरस्तीकरण के आदेश आप निरस्तीकरण लिया है, मैं 30 अगस्त को निरस्तीकरण के आदेश दे दिए और वाप क्वेस्ट कर दिया उस आदेश को और अपने पूर्व स्थान पर कार्य ग्रहण करके फिर मैं सेवा मुक्त हुआ हूँ। तो आपने सुना है ये तमाम वो शिक्षक हैं जिनकी कोई ना कोई समस्या है और जो मुख्य जो समस्या है जो कोर्ट भी मान चुकी है कि जो गलती जो पूर्व में की गई है उसको सुधारा जाए और इन शिक्षकों की जो मांग है वो जायज़ है, नीतिपूर्ण है, जब कोर्ट क्योंकि खुद मान चुका है उसके बाद भी सरकार या प्रशासन इनकी इन मांगों को पता नहीं क्यों नहीं मान रहा है, क्यों नहीं पुरानी गलती को सुधार करके इनको वापस से जो इनका हक है वो दे रहा है। और एक और बात जो पता पड़ी, ये जो शिक्षक है और आप ये देखिए, दुख की बात यह है कि आज शिक्षा दिवस है, आज पूरा देश शिक्षा दिवस मना रहा है और शिक्षा दिवस के दिन ये शिक्षक अपनी मांग को लेकर धरने प्रदर्शन पर है, कोई अपने निलंबन गलत निलंबन को लेकर यहाँ धरना देने आया है, कोई अपने रिटायरमेंट के 3 साल पहले जो चार्जशीट दी गई थी उसको निरस्त करवाने की मांग को लेकर आया है। तो तमाम ये जो मांगे हैं ये सरकार से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो भी नीतिपूर्ण जो इनकी मांग है और जो पहले से निर्देशित की जा चुकी है हाईकोर्ट के द्वारा भी, उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि इन शिक्षकों को शिक्षा दिवस के दिन तो कम से कम धरने प्रदर्शन पर नहीं बैठना पड़े। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।